brought to you by Higher. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. बिना यूपीएससी क्रैक किए फर्जी आईएएस आईपीएस बनने वालों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। नीली शर्ट पहने सफेद बालों वाले शख्स का नाम अनिल कटियाल है, उम्र 68 साल। खुद को 1979 बैच का रिटायर आईपीएस ऑफिसर और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बैचमेट बताते थे। कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाते कि बड़े बड़े अधिकारी लपेटे में आ जाते और इनके कहने पर एक्शन भी लेते। आरोप है कि अनिल खुद को रिटायर आईपीएस अधिकारी बताकर एक पुलिस कमिश्नर से मिले। अनिल ने असली पुलिस पर एक केस में गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। अनिल की शिकायत पर दो पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि अनिल नाम का कोई आईपीएस तो है ही नहीं। अब पुलिस ने अनिल और उसके एक दोस्त को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां ट्रांसहिंडन डीसीपी पीआरओ कार्यालय को 14 नवंबर की शाम करीब 5 बजे एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम अनिल कटियाल बताया था, कहा कि वो मणिपुर कैडर का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है। अनिल कटियाल ने इंदिरापुरम थाने के एक केस में अपने दोस्त विनोद कपूर के पक्ष में पैरवी की और जांच अधिकारी प्रमोद हुड्डा पर गलत एक्शन लेने का आरोप लगाया। आज तक से जुड़े मयंक गौड़ की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल के दबाव में आकर अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी कर दी, लेकिन बाद में जब पुलिस अधिकारियों ने अनिल से उसके बैच को लेकर डिटेल से सवाल जवाब किया तो उन्हें कुछ शक हुआ। जांच की तो पता चला कि अनिल कटियाल फर्जी अधिकारी बना घूम रहा है। 21 नवंबर को एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अनिल कटियाल और विनोद कपूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ये भी बताया कि विनोद को किस केस में जेल में रखा गया था। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी, उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है और काफ़ी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फोन से काफी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अनिल कटियाल मूल रूप से दिल्ली का ही रहने वाला है। आरोपी के पिता एक आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं। अनिल ने सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। साल 1979 में अनिल ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन उसे असफलता मिली। इसके बाद वो पीएचडी की पढ़ाई के लिए यूएसए चला गया और 1980 में पीएचडी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गया। भारत आने के बाद अनिल ने 1980 से लेकर 2000 तक हिंदुस्तान लीवर कंपनी में मैनेजर के पद पर काम किया। उसके बाद साल 2000 से लेकर 2005 तक यामाहा कंपनी में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर रहा। फिर 2005 से 2015 तक वोडाफोन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट अफेयर्स के पद पर काम करते हुए रिटायर हो गया। फैमिली बैकग्राउंड और दोस्तों की सोहबत के कारण उसकी कई सारे आईएएस आईपीएस और दूसरे अधिकारियों से जान पहचान बनती गई। इसका फायदा उठाकर अनिल कटियाल ने अपने आप को ही 1979 बैच का आईपीएस अधिकारी बताना शुरू कर दिया था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सरकारी और निजी संपर्कों का गलत इस्तेमाल कर पुलिस और दूसरे विभागों को गुमराह किया। पुलिस जांच में अनिल की व्हाट्सएप चैट भी मिली है, जिससे पता चला कि वो खुद को विदेश मंत्री एस जयशंकर का पूर्व बैचमेट भी बताता था। इसके अलावा दूसरे आरोपी विनोद कपूर की क्राइम लिस्ट भी काफी लंबी है। उसके कॉन्टैक्ट्स में कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी काम में जेल की सजा काट रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो विदेश की जेलों में हैं। अनिल कटियाल और विनोद कपूर कब से ये फर्जी काम कर रहे हैं, पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ने अनिल और विनोद के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 जबरन वसूली, 221 लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने, 204 लोक सेवक का अपमान करने और 318 यानी धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस मामले के चलते जिन दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, पुलिस अब उन्हें अपनी गलती बता रही है। जब फर्जी पुलिस अधिकारियों की बात चली रही है तो आपको याद दिला दें कि इसी साल सितंबर महीने में बिहार के एक फर्जी आईपीएस को पकड़ा गया था।
नाम मिथिलेश कुमार, उम्र महज 18 साल थी। मिथिलेश यूनिफॉर्म पहनकर बाइक पर सवार होकर नाश्ता करने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पहले तो बोला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, एक अनजान शख्स ने 2 लाख रुपए लेकर उसे वर्दी दी और कहा कि अब तुम आईपीएस अधिकारी बन गए। हालांकि जांच में आगे पता चला था कि मिथिलेश के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद ही आरोपी है। वो वर्दी भी उसने खुद ही सिलवाई थी। इस खबर में बस इतना ही। जानकारी जुटाई है शुभम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।